दोस्तों नमस्कार। फ्रेंच ओपन के वुमेन सिंगल्स में आज 10 तारीख को इगा स्वेटेक और कैरोलिना मकोवा के बीच मैच होने वाला है। इसी मैच के बारे में चर्चा करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे कि ये कौन मैच जीत सकता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इगा स्वेटेक जो पोलैंड से बिलोंग करती हैं, वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग नंबर 1 है और राइट हैंडेड टू हैंडेड बैकहैंड से ही खेलती हैं। कैरोलिना मकोवा जो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, इनकी वर्ल्ड में रैंकिंग 43 है और ये भी राइट हैंडेड टू हैंडेड बैकहैंड से खेलती हैं। अब देख लेते हैं इगा स्वेटेक का अब तक का सफर। फ्रेंच ओपन में फर्स्ट राउंड में इन्होंने क्रिसी नबुका को हराया था, सेकंड राउंड में इन्होंने क्ले यू को हराया था, थर्ड राउंड में इन्होंने वैंग ज्यू को हराया था, फोर्थ राउंड में इन्होंने लीजरा तुसरेंको को हराया था, क्वार्टर फाइनल में इन्होंने कोका गॉफ को हराया था, जबकि सेमीफाइनल में इन्होंने बाटेज अदद को हराया था। और कैरोलिना मकोवा का अब तक का सफर फ्रेंच ओपन तक का फाइनल तक का, फर्स्ट राउंड में ने मारिया सक्कारी को हराया था, सेकंड राउंड में ने नादिया पुदोस्का को हराया था, थर्ड राउंड में ने इरेना बेगू को हराया था, फोर्थ राउंड में ने एलिना को हराया था, जबकि क्वार्टर फाइनल में अनास्तासिया पावलो चेंकिया को हराया था, जबकि सेमीफाइनल में इन्होंने आरियना सबलेंका को हराया था। अभी तक इगा स्वेटेक और कैरोलिना मकोवा के बीच हेड टू हेड एक मैच हुआ है, वो भी क्ले कोर्ट, और कैरोलिना मकोवा वो मैच जीत गई थी अगेंस्ट इगा स्वेटेक के। और इगा स्वेटेक का 2023 का रिकॉर्ड इस साल का, हार्ड कोर्ट में इन्होंने 16 मैच खेले, 4 मैच जीते हैं, क्ले कोर्ट में इन्होंने 18 मैच खेले, 2 मैच जीते हैं, जबकि टोटल इन्होंने 34 मैच खेले हैं, 34 जीते हैं और 2 6 ये हारी हैं। और फ्रेंच ओपन भी क्ले कोर्ट में ही खेला जाता है और अभी तक का इनका क्ले कोर्ट का जो सफर है बहुत बढ़िया रहा है। अब कैरोलिना मकोवा का इस साल का सफर 2023 का, हार्ड कोर्ट में इन्होंने 15 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं, जबकि क्ले कोर्ट में इन्होंने 10 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं और टोटल इन्होंने 25 मैच जीते हैं, जबकि 7 मैच ये हारी हैं इस साल। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब देख लेते हैं इगा स्वेटेक का ग्रैंड स्लैम अभी तक इन्होंने कितने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है सेमीफाइनल तक का रहा है 2022 में। फ्रेंच ओपन ये 2 बार जीत चुकी है 2022 और पिछले साल 2022 में। विंबलडन में ये बेस्ट परफॉर्मेंस इनका फोर्थ राउंड तक का रहा है 2021 में, और यूएस ओपन भी ये जीत चुकी है 2022 में। अब देख लेते हैं कैरोलिना का मकोवा का अब तक का सफर, जो ग्रैंड स्लैम का इनका बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये सेमीफाइनल तक पहुंची थी 2021 में, फ्रेंच ओपन में फाइनल में इस साल पहुंची है 23 में, ये इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इस साल और देखते हैं कल मैच जीती है नहीं जीती। विंबलडन में ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंची गई 2019-21 और यूएस ओपन में ये फोर्थ राउंड तक पहुंची 2020 में। अब जो मैच आज होने वाला है फाइनल, उसमें ज्यादा चांसेस इगा स्वेटेक के हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने 2 फ्रेंच ओपन जीत रखे हैं और कैरोलिना मकोवा का ये पहली बार चांसेस है, तो मेंटल प्रेशर भी होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इगा स्वेटेक क्योंकि क्ले कोर्ट में बहुत अच्छा खेलती हैं, तो ये मैच इगा स्वेटेक जीतेंगे और ये तीसरा इनका फ्रेंच ओपन होगा। तो ये थी जानकारी, धन्यवाद।